So this is the first look of property. अरे Hey guys, welcome back to my channel. आज हम निकल रहे हैं ऋषिकेश. काफी दिनों बाद एक और ट्रिप बन गया है और मैं यहाँ पे हाईवे पे वेट कर रहा हूँ अपने दोस्तों का. सो लेट्स सी, चलो ऋषिकेश चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं आज की डेट में क्या हाल चाल है. और वहाँ और इस रिकॉर्डिंग के 5 से 10 मिनट बाद ही मुझे पिक कर लिया जाता है और अपनी जर्नी होती है यहाँ से शुरू. हाँ, तो उसमें क्या होता है, बंदा अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है तो कहने का मतलब है कि बीवी बोलती है तो सुनना ही है. तो बेटे को कौन सुनता है. अरे हालांकि हमने इसका ट्रायल अंदर रेस्टोरेंट में ले तो लिया था, लेकिन हमने सोचा क्यों ना बाहर भी इसका इसकी टेस्टिंग की जाए. छोटी मोटी टेस्टिंग के बाद भैया हमने इसे वापस बुलाया और हमने कहा चलो अब आगे चलें. सो 3-4 घंटे के सफ़र के बाद हम हरिद्वार पहुंच तो गए, लेकिन थोड़ा सा जल्दी लगभग हम 5:15-5:30 बजे के करीब हरिद्वार पहुंच गए थे, क्योंकि आरती शुरू होने में अभी थोड़ा सा टाइम था. तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए. प्लीज गाइड किधर सारे सुबह के भूखे रात के भूखे 3 बजे खाया था इन लोगों ने. कितने कितने खाने खाने हैं. भी है, रस भी है, फैन भी है. जैसे तू मेरा फैन है तेरे फैन भी है. अब मैं बोलूं तू तो हाथ में था हर जगह फैन. हाँ भैया 8 गिन रहे थे. एक एक लौते इसने बोला 7 इसने मना कर दिया ना. नहीं कर पाए, ये कर पाए ना. गलती निकाल ली कहाँ करती है. और थोड़ी सी मस्ती और चाय की चुस्कियां लेने के बाद जब हम हर की पैड़ी की ओर बढ़े तो उसके बाद का माहौल आप खुद ही देख लो. और जैसे ही गंगा आरती शुरू होती है आई थिंक शब्दों में उस चीज़ को बयान नहीं कर पाऊँगा. वो जो फीलिंग है, वो जो मैस्मराइजिंग सा एटमॉस्फेयर बन जाता है, वो आप यहीं पे आके फील कर सकते हैं. एंड गंगा आरती अटेंड करने के बाद मन में शांति और सुकून लेके हम आगे बढ़ चले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर. और क्लोज ले जाए वहां पे.
बाय हम पहुंच गए रिजॉर्ट पे। ये पार्किंग एरिया, अपनी गाड़ी लग गई है, एक ही टाटा हैरियर और एक खड़ी है जीप यहाँ पे। एंड अभी यहाँ से नीचे चलते हैं, नीचे का रास्ता देखते हैं कैसा है। का है? मगर अब एक ही बार में नहीं चला। हाँ जा समझ है नहीं ना। अरे वाह जबरदस्त, वेरी नाइस, क्या बात। सो दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो काफ़ी अच्छी लग रही है, नाइस, वेरी नाइस। ये रहा ओवरऑल लुक। ओके गुड यार। भाई रूम है, रूम दिखा देते हैं। ये बाहर सेटिंग है, ये ग्लास एंड रूम कुछ ऐसा है। ठीक ठाक रूम है, मतलब नीट एंड क्लीन एंड ठीक है यार। अच्छा स्पेशियस बना रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं वॉशरूम हो गया है। ओके सो एंड यहाँ से बाहर का व्यू इस तरीके। तो गाइज़ अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने हमें चार्ज किया था 3000 रुपीज़ पर हेड, जिसमें कि आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, दिन का लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड रात का डिनर इंक्लूडेड था। सो अगर मैं कॉस्ट वाइज बात करूँ तो मुझे वर्थ लगा, क्योंकि अगर आप फुल डे का खाना देखेंगे तो उसमें 3000 के अंदर अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है विथ रूम। सो आई थिंक अगर आप ओवरऑल प्रॉस्पेक्ट से देखते हैं तो मुझे रीज़नेबल लगे प्राइसेस, बहुत हाई चार्जेस नहीं लगे। चलो तो गाइस अपना दिन का लंच हम जा रहे हैं करने, लेट्स सी किचन की ओर, आई मीन जो इन्होंने कैफेटेरिया अपना बना रखा है। चलो देखते हैं आज खाना क्या क्या मिलेगा। इस दिन का लंच करने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग अगेन फिर पहुंच गए जस्ट रिजॉर्ट के बगल में, हमारे पास से एक रिवर जा रही थी तो हमने सोचा क्यों ना वहां जाया जाए। अपन लोग आ गए रिवर साइड में, यहां पे छोटा सा पास में एक पैच जा रहा है नदी का, तो हम उसके बगल में आ गए। लोग यहां पे कुछ एक एंजॉय करते हुए बैठे हैं, यहाँ से हमारा ड्रोन शूट होने जा रहा है। तो गाइस जब तक हम डुबकी लगाते हैं तब तक आप ये ड्रोन शॉट्स एंजॉय करो, बहुत ही मज़ेदार शॉट्स आए हैं।
मैं आपको तो बताना भूल ही गया कि शाम के स्नैक्स भी हमारा वेट कर रहे थे। तो मैं एक डुबकी लगाने के बाद हम वापस अपने रिजॉर्ट की तरफ आए आने वाली शाम और स्नैक्स को एंजॉय करने के लिए। और जैसे ही सूरज ढलता है उसके बाद यहाँ का नज़ारा किस तरीके से चेंज हो जाता है आप ये खुद देख लो। के कान में हीरा कान में हीरा मुझे तो हीरे से मतलब के एंड खूब सारी मस्ती के बाद हमने एक अच्छा डिनर एंजॉय किया एंड इसके बाद क्या काफ़ी लेट नाइट तक हम लोगों ने मस्ती की एंड फिर गुड मॉर्निंग गाइस। सो मॉर्निंग हो चुकी है एंड मॉर्निंग देख लो यार, सामने से सूरज धीरे धीरे उगते हुए, बहुत ही यार ऑसम मॉर्निंग है। यहाँ वाली चाय रखी, चाय आई थिंक चाय मिल गई, ऑलमोस्ट लास्ट बैच है आई थिंक चाय का, चाय पीते हैं। गुड, उठ गए हमारे सुरेंद्र लोग सारे। गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल साहिल? बढ़िया। चलो रात में कितने बजे बचाओ वापस? 3 बजे। 3 बजे ये काम बढ़िया इनका राउंड लगा। हाथी होती मिला कि नहीं मिला? अरे हाथी भाई, ब्रेकफास्ट निकल चुका है, अपन लोग चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। पूरी है ऑमलेट हो जाएगा, ऑमलेट करा दो, दो अंडे का करा दो, ऑमलेट आता है बहुत दिन है, एक हाफ थोड़ा सा दे दो पोर्शन। अच्छा उस एरिया में